101 कन्याओं के सामूहिक विवाह में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है जहां हमारा सामूहिक विवाह होने वाला है, उसकी टोटल स्क्वायर फीट 50,000 स्क्वायर फीट है। और ये हमारा सामने का फ्रंट गेट है और ये हमारा पंडाल है ऊपर से एरियल व्यू में। यहाँ से हम लोग पूरा पंडाल का प्रीव्यू करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग सेंट्रल पाथवे, स्टेयर अरेंजमेंट, मंडप, गिफ्ट्स। और यहाँ से आगे अगर सीधा देखेंगे तो आपको वो ट्रस दिख रहा होगा, लाइट ट्रस, और हमारा ये स्टेज दिख रहा होगा। ये जस्ट स्टेज के पीछे हमारा डाइनिंग एरिया है, जैसा कि अभी आप देखेंगे ये डाइनिंग एरिया है। लोग कुछ लोग लाइन में खड़े हैं खाने के लिए। और ये हमारा आगे किचन है, आगे VIP डाइनिंग है। और ये डाइनिंग के पीछे, और यहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड में स्टॉल और यहाँ गिफ्ट्स रखे हैं। और ये जो मंडप है, ये वाला मंडप से होते हुए दूसरे मंडप तक सेंट्रल पाथवे से होते हुए जाने के लिए है। यहाँ से हम लोग बाहर आ जाएंगे। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा 2D व्यू है ओवरऑल का। इसी ओवरऑल व्यू पे हम लोग बात करते हुए, जैसे ये VIP एरिया, ये स्टेज, ये डाइनिंग एरिया दिख रहा होगा। और ये हमारा किचन 17 feet 3 inches by 22 by 7 चेंजिंग रूम दिख रहा होगा आपको। ये हमारा पाथवे है, ये जो एरिया, ये पाथवे जो है जाने के लिए, मतलब कि एग्जिट के लिए है। और यहाँ से स्टॉल्स है, जैसे कि नंबर 1 पे प्ले, दूसरे पे है, सारा कुछ इसमें दर्शाया हुआ है, दिखाया हुआ। ये हमारे स्टॉल्स के बाद यहाँ पाथवे है। जो हम लोग का रेड कार्पेट जोन दिख रहा है, जो रेड कार्पेट एरिया दिख रहा है, वो हम लोगों का आने जाने के लिए पेडिस्टल रास्ता है। ये हमारा सेंट्रल पाथवे हो गया, दोनों साइड चेयर लगे हुए हैं, मंडप है उस तरफ 50, इस तरफ 51। और फिर यहाँ पे हम लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है, जिसमें VIP सोफा सबसे आगे लगा हुआ है। ये हमारा VIP रूम है, जो 20 feet by 20 feet का है लगभग। और ये हमारा डाइनिंग के पीछे है, जहाँ बेसिन और ये कचरा वगैरह के लिए डस्टबिन लगा हुआ है। और ये हमारा स्टॉल्स है, सेकंड लेफ्ट वाला स्टॉल्स, जिसमें टोटल स्टॉल्स हमारे पास 14 है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये सब कुछ है, जैसे उन्नति ज्वेलर्स वगैरह, ये सारा दिखाया गया है। स्टॉल्स यहाँ सिर्फ नंबर दिखाए गए हैं, वहाँ 3D में पूरा का पूरा डिटेल है। ओवरव्यू यहाँ से हम लोग देख सकते हैं चीजों का, जैसे कि ये जितना गिफ्ट रखा हुआ है, ये मंडप्स है, गिफ्ट में आपको अलमारी, बेड और वॉशिंग मशीन, और उसके साथ साथ कुछ और गिफ्ट्स पैकेट में दिख रहे होंगे। जितना हम लोग का स्टॉल्स है, उसमें से कुछ यहाँ, जैसे एक स्टॉल्स बंद है 8वां नंबर, और उसके अलावा यहाँ पे और भी चीजें दिख रही होंगी, जैसे सेंट्रल पाथ हो गया, मंडप हो गया। ये हम लोगों का पूरा एक ओवरव्यू है, जो हम लोग देख करके समझ सकते हैं कि ये कैसे और कहाँ क्या चल रहा है। इसके अलावा हम लोग ये देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा एरिया में एक बार में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी एक एक चीज को डील करेंगे। जैसे कि ये चेंजिंग रूम है, 20 feet by 20 feet ऑलमोस्ट 4 feet आगे पीछे हो सकता है। ये हमारा साउंड बॉक्स जो लगा हुआ है, ये स्टेज के लिए सीढ़ी है। ये हम लोग का किचन है, जिसमें VIP डाइनिंग है, और यहाँ पे सर्विंग के लिए, केटरिंग के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे अंदर किचन देख रहे होंगे, किचन के जस्ट बगल में एक स्टोर रूम टाइप है, स्टोर रूम दिख रहा होगा आपको, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे कि हम लोगों का एक दो सेक्शन व्यू हम लोग देखेंगे आगे। ये हम लोगों का पूरा सेंट्रल पाथवे है, जैसे कि स्मूथली हम लोग इसके पीछे से बीच में से जा रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, पर ठीक है। ये जो कपड़ा है ऊपर पूरा व्हाइट आएगा, ये सिर्फ वही एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग सीधा सेंट्रल पाथवे से जाएंगे, और यहाँ सामने हम लोग को स्टेज दिखेगा, जो कि सबसे पहले ऊपर हम लोग को ट्रस्ट दिख रहा है, सामने एकदम हम लोग कन्यादान पेटी। लेफ्ट स्टॉल से स्टार्ट करते हुए हम लोग मंडप की तरफ, पूरा मंडप कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का मंडप है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये गिफ्ट्स हैं, ये लोग हैं यहाँ पे।
इस साइड हम लोग टोटल 50 मंडप है, लेफ्ट साइड 50 मंडप है, राइट साइड हमने 51 किया है। और यहाँ पे ये गिफ्ट्स हैं, देखिए इस मोर से, ये ऊपर वाला अलमारी है जो लिटा के रखा गया है, ये कुंड है, कुंड में आग भी दिख रहा होगा, कपल नहीं होगा बस, यहाँ पे आगे दिख रहे होंगे पूरा मंडप ऊपर से, जहाँ पे हम लोग विवाह होने वाला है 101 कन्याओं का, जिसमें 50 इस तरफ और ये 51 इस तरफ है राइट साइड में। और ये सारा वैसे ही गिफ्ट्स है, सेम अलग अलग चीजों को अरेंज करके रखा गया है, जैसे बेडिंग, अलमीरा, ETC, ये हम लोग हवन कुंड से होते बाहर। चलिए अब बात करते हैं स्टॉल्स पे। ये जैसे लेफ्ट साइड से हम लोग राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्ले स्कूल है, उसके बाद ये सेंट्रल सिलाई सेंटर है, ये कंप्यूटर परिसर है, ये अपना कानूनी से है, हेल्प सेंटर है, ये CVC एफिलेटेड स्टॉल है, एक बार इसको गौर से देख लीजिए। ये हमारे लेफ्ट साइड में है, जस्ट गिफ्ट्स के बगल में रखा हुआ मंडप के बगल में, ये दो अभी बंद है, इसमें कुछ और यूज किया जा सकता है। और ये हमारा बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि पूरा स्टेज का ओवरव्यू आ सके और लोग जो है वो मंडप के आसपास भी बैठ करके देख सके सारा कुछ। तो ये ऊपर जो हम लोगों का है, ये लोग वो हम लोगों का पंडाल है, ओवरऑल प्लेन है नीचे से कोई नहीं, पर सेंट्रल पाथवे हम लोगों ने बहुत बहुत खूबसूरत बनाया देखिए। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं कि ये दूसरे तरफ का मंडप से होते हुए हम लोग उस तरफ के स्टॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट और फिर यहाँ से स्टॉल स्टार्ट हो रहा है, ये स्टॉल नंबर 8 है, और यहाँ से कन्यादान स्टॉल हो गया, उन्नति ज्वेलर्स हो गया, फिर KVA माइक्रो सर्विस हो गया, ये जैसा देख सकते हैं महिला समूह थे, फिर यहाँ पे हाउसिंग एक्सेसरीज का है और कन्या विवाह व्यवहार विकास का है। अब आते हैं अपने स्टेज पे, ये हमारा स्टेज है जिसमें कुछ पोस्टर्स बैनर्स रखे हुए हैं, और ये अच्छा खासा बड़ा स्टेज है, इतना बड़ा स्टेज है कि हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से अरेंज भी किया है। दोनों साइड बॉक्स सिस्टम, साउंड बॉक्स सिस्टम भी रखा हुआ है, अच्छा यूज बॉक्स साउंड बॉक्स सिस्टम। ये पोस्टर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी चीजों को अरेंज इसी में कर दिया गया है। और ये पीछे से होते हुए हम लोग दूसरी तरफ से सीढ़ी से चढ़े थे और दूसरी तरफ से उतर जाएंगे कि देख सके कितना बड़ा है। ये साउंड बॉक्स है अपना, और यहाँ से ये जो है ट्रस लाइट है, ट्रस लाइट में कुछ लाइटें लगी हुई, ये VIP सोफा, VIP सीटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है, बीच में कन्यादान पेटी है ये वाला। और इससे हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि पूरा स्टेज जो है, एक रोटेशन में दिखा दे रहा हूँ, पूरा स्टेज जो है वो कितना ओवर मतलब क्राउडेड हो सकता है, अगर जितने भी पीपल्स हैं यहाँ पे अट सकते हैं, जा सकते हैं आराम से। ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से होते हुए ये हम लोग का स्टेज ओवरऑल लुक ओवर हो रहा है। और इसके पीछे डाइनिंग एरिया, उसपे भी आते हैं, पहले हम लोग VIP रूम और कंट्रोल रूम कवर करते हैं। चलिए VIP रूम देखने चलते हैं। ये फ्रंट है VIP रूम का जो कि लेफ्ट साइड में है, इसके अंदर हम लोग जाते हैं और आराम से इसका व्यू लेते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट है। जैसा आप देख सकते हैं कॉजी सोफा VIP रूम में इस तरह से अरेंज है, ये 20x20 ऑलमोस्ट, थोड़ा है 20 feet 2 inches समथिंग, इस तरह से ये पूरा का पूरा VIP रूम अरेंज किया गया है स्टेज के बगल में। यहाँ से चेंजिंग रूम स्टार्ट होता है, ये जो कि राइट साइड में है, जस्ट स्टेज के ये भी बगल में है। मोस्ट ऑफ द कपल्स के लिए यहाँ पे चेंजिंग के लिए अरेंजमेंट है, जो कि यहाँ के स्टाफ्स देखेंगे हमारे, तो यहाँ पे ओवरऑल चेंजिंग के लिए है, जो ज्यादातर ब्राइडल यूज करेंगे, जो विवाह कन्याएं हमारी यूज करेंगे। ये रहा हमारा सामने स्टेज।
यहाँ से हमारा किचन एंड डाइनिंग स्टार्ट होता है। ये स्टोर रूम है, यहाँ हम लोगों का किचन है, ये किचन है, और ये वीआईपी डाइनिंग है, और यहाँ पे सर्विंग के लिए दिया गया है। आप जैसे देख रहे होंगे कि ये अच्छे से मैं एक लुक दिखा देता हूँ, ये ले लो ऊपर से भी ये। और यहाँ पे लोग खड़े हैं लाइन में खाने के लिए, जो कि सर्विंग के लिए आगे था। और यहाँ से हम लोग सीधा आगे जाते हैं, जो कि हमारा बेसिन के पास है, लास्ट डाइनिंग है। यहाँ पे हम लोगों का बेसिन भी दिखेगा, देखिए।